प्रणाम दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक जाना माना ब्रांड, परंतु उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई है। पहले ये आयुर्वेदिक उसमें आता था, आपने जगजीत सिंह जी को इसके ऐड में बहुत देखा होगा। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं इसके विषय में बता देता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ टोरेक्स कफ सिरप से, जो कि टोर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब इन्होंने ये जो टोरेक्स सिरप है इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब ये एलोपैथिक साइड में आ गया है। तो आज हम बात करेंगे इसमें अवेलेबल साल्ट के विषय में, किस स्थिति में आप इसका सेवन कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साथ ही साथ कब आपको इसके नहीं लेना चाहिए, दूसरा क्या इसके प्राइस हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैकिंग के अंदर बोतल दिखा देता हूं। इस प्रकार की इसमें बोतल दी गई है टोरेक्स की। पहले भी जो कफ सिरप था उसकी बोतल ऐसे ही आती थी, हाँ उसमें मेजरिंग कैप आती थी, इसके अंदर इन्होंने मेजरिंग कैप नहीं दी है इस बार। तो आप अपनी किसी स्पून वगैरह से मेज़र करके इसको लें। ये 100 ml की पैकिंग में है जो मेरे पास है, 100 ml की पैकिंग में आता है, इससे छोटा भी उपलब्ध है, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट मिलाए गए हैं वो है टर्पिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, डाइफेन हाइड्रामाइन SCL, साथ में टर्पाइन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, ये इसके अंदर साल्ट मिलाए गए हैं जो कि सभी कफ रिलेटेड खांसी में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि जब स्पुटम ज़्यादा आता है, जब आपको महसूस होता है कि आपके चेस्ट छाती के अंदर कुछ बज रहा है परंतु वो काफ़ी खांसने के बाद भी बाहर नहीं आ रहा है, तो उस दौरान इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें एक साल्ट ऐसा भी डाला गया है जो एलर्जिक खांसी में भी काम करता है, तो अगर किसी को एलर्जिक खांसी हो उसमें भी ये तुरंत आराम पहुँचाने का काम करता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को कब लेना चाहिए। आप ये क्योंकि शेड्यूल जी ड्रग में आती है तो हमेशा इसे अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लें, बिना डॉक्टर के सुपरविज़न में आप इसका सेवन ना करें। इसके साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे हर किसी के साथ नहीं पर किसी किसी को इसे पीने के बाद 4 से 6 घंटे तक थोड़ा ड्राउजीनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा चक्कर आना जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि किसी भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन को लेने के पश्चात ये होता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक जो भी मेडिसिन आती है वो ब्लड बैरियर को क्रॉस कर देती है, इसीलिए उसको BBB कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, खून से दिमाग के जो बैरियर होता है केमिकल रिएक्शंस द्वारा, ये उसको क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्राउजीनेस आना नॉर्मल रहता है। इस दौरान अगर किसी को इस तरह के ड्राउजीनेस या डिजीनेस फील हो रहा है तो आप 4 से 6 घंटे तक कोई व्हीकल ना चलाएं, साथ ही साथ कोई हैवी मशीनरी यूज़ ना करें। इसका सेवन किया जा सकता है किसी भी कफ रिलेटेड खांसी में, ड्राई कफ में, साथ में स्मोकर्स जो होते हैं जब वो ज़्यादा बीड़ी या किसी तंबाकू का सेवन करते हैं तो खांसी होना एक स्वाभाविक बात है, उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसको वूफिंग कफ जिसे बोलते हैं कुत्ता खांसी, आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रोल इसमें इसका पाया गया है जो साल्ट है इसके अंदर। साथ ही साथ जो क्रोनिक कफ होते हैं, यानी कि आप लगातार खांसे ही जा रहे हैं और साथ में खांसने के बाद वो एक उल्टी टाइप में तब्दील होकर खांसी बंद हो रही है, उस दौरान भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं और आपको ड्राई कफ हो गया है या इनमें से कोई सा भी कफ आपको है तो उससे पहले भी आप इसे 2-3 दिन इसका सेवन करें तो जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें थोड़ी आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में जब टांके लगते हैं उस दौरान अगर आपको खांसी आ जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा जोर पड़ जाता है, उस दौरान आप इसका सेवन करेंगे तो खांसी आना कम या नहीं आएगी, तो आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो ईजिली हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूजेस को लेकर सावधानियों के विषय में। तो एक तो खास सावधानी आपको रखनी है कि जिस टाइम पीरियड तक डॉक्टर आपको इसका सेवन करने के लिए कहे केवल उतने ही टाइम तक आप इसका सेवन करें, उससे कम या उससे अधिक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप जब कभी भी इसका सेवन करें तो इसकी कैप को टाइट बंद कर कर रख दें, वरना हल्का सा मीठा होने की वजह से इस पर चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं और वो एक जब आप दोबारा उसको पियेंगे तो थोड़ा सा इन्फेक्शन क्रिएट होने का डर रहता है। तीसरा, आप हमेशा इसे अच्छे से हिलाकर ही इसका सेवन करें,
वरना जो मेन जो भारी कंटेंट है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है। तो आप इसको मिक्स कर हिलाकर ही अच्छे से पिए। साथ में बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, मॉइस्चर में ज़्यादा ना रखें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो ज़्यादातर हर मेडिसिन को लेकर रहती हैं, परंतु जो सिरप सस्पेंशंस रहते हैं और ख़ासतौर पर शेड्यूल एच और जी ड्रग में रहते हैं, उसमें खास सावधानी रखने वाली बात ये होती है कि बच्चों की पहुँच से थोड़ा सा इसे दूर रखें, वरना छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या पीना है क्या नहीं पीना। तो ये इसकी कुछ सावधानियों के विषय में बात थी। अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो दोस्तों मार्केट में इसका जो प्राइस इन्होंने दिया है वो रखा गया है 99 रुपीज़। तो 100 ml की पैकिंग 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी पर, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पर ये इजीली उपलब्ध है। आप अपने डॉक्टर के पर्ची अनुसार इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक कीजिए, साथ में मेरा चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ लगा घंटे का बटन दबाकर छोड़ दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।